यह आपके लिए गर्व का विषय है और मेरे लिए फख्र का विषय है। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई इस वतन की संविधान को बचाने की है। इसीलिए पहली लड़ाई इन्होंने शुरुआत की नफरत बांटने की हिंदू मुसलमान की, कहा तालाब पे। सर सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होता है पप्पू यादव के घर, सबसे ज्यादा दहेज पर चलाए जाते हैं पप्पू यादव के घर, सबसे ज्यादा गिवन रिलेशनशिप रखा जाता है पप्पू यादव के घर। भ्रूण हत्या होता है लगभग 21.4%, दहेज में चलाए जाते हैं लगभग 12.3%, और तलाक 1.3% लोगों के बीच है, मात्र 1.3। आप भ्रूण हत्या को रोके नहीं, आप दहेज पर चलाने वाले लोगों को रोके नहीं, आप की मैम रिलेशन को रोके नहीं, आप जबरदस्ती जो मेरा अपना है उसको जबरदस्ती चुप्पी काट रहे हो कि तुम मेरा नहीं हो। जब वहां मुसलमान चुप होकर के मुस्कुरा के चुप हो गए, तब उन्होंने क्या किया, दूसरा सवाल क्या लाया, दूसरा सवाल आया 370। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने कहा कि 370 से मेरा क्या लेना देना, कश्मीर और कश्मीरियत और कश्मीरी, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, नागालैंड, कोहिमा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और चाइना, कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट। कश्मीर को तो तुम इंडिया नहीं बना सके, लेकिन इंडिया को कश्मीर बनाने में कोई कसर वहां की तुमने नहीं रखी। मैं वहां भी आऊं, तब मुसलमानों ने कहा कि 370 पर मेरा कोई मतलब नहीं। फिर